योजना शुरू होने के बाद भी ग्रामीण अपने घरों में बायोगैस संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि भंडारा जिले के अलग अलग 12 गांवों में 15 लाभार्थियों ने राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना का लाभ लिया है। बता दें कि भंडारा जिला परिषद के कृषि विभाग अंतर्गत पंचायत समिति की ओर से राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शासन की ओर से दिए गए लक्ष्य को पंचायत समिति के कर्मचारियों ने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। पंचायत समिति के विस्तार अधिकारी केशव चौहान ने लोस से चर्चा करते हुए बताया कि ग्रामीण परिसर में आज भी लकड़ी तथा कोयले पर भोजन पकाया जाता है। इससे निजात पाने के लिए शासन की ओर से राष्ट्रीय बायोगैस विकास व खाद्य व्यवस्थापन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें भंडारा पंचायत समिति के तहत आने वाले 12 गांवों का समावेश है। इसमें ग्राम गराड़ा में 1, पुरगांव में 2, माटोरा में 1, टेकीपार में 2, खमारी में 1, पांडवी में 1, मंडन गांव में 1, इंजेवाड़ा में 1, पहला में 2, श्रीनगर में 1, बेलगांव में 1 और मांडवी में 1 परिवार में बायोगैस स्थापित किया गया है। एक बायोगैस संयंत्र 15 से 20 वर्ष तक कार्यरत रहता है। 2 घन मीटर बायोगैस संयंत्र के तहत प्रति माह 26 किलो एलपीजी गैस यानी 2 सिलेंडर गैस, 88 किलो लकड़ी, कोयला और 210 किलो जलने वाली लकड़ी तथा 740 किलो जानवर का गोबर बचाया जाता है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना ताजा खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूले। गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ऐप को डाउनलोड कर रोजाना ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।